नमस्कार आप सभी को, मैं हूं श्वेता फ्रॉम द स्टोरी मंत्रा। आज हम जिस शख्सियत से आपको मिलाने जा रहे हैं, बड़ी ही सकारात्मक ऊर्जा से भरी हुई, अपने आसपास अज्ञानता के तिमिर को इस सकारात्मक ऊर्जा से मिटाने वाली, संस्कारों के बोध वृक्ष की छाया सी, पेड़ पौधों प्रकृति पशु पक्षियों को अपने हृदय में असीम प्रेम देने वाली और सेवा भावी तथा मानवीय मूल्यों को जीवंत रूप देने वाली साहित्य के क्षेत्र में एक सशक्त हस्ताक्षर श्रीमती मंजू गुप्ता मैम। तो चलिए सीधे चलते हैं मंजू गुप्ता जी के साक्षात्कार की ओर। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने अपने आसपास अज्ञानता के तिमिर को सदैव अपनी सकारात्मक ऊर्जा से मिटाने के लिए अपने संस्कारों के बोध वृक्ष की छाया सी पेड़ पौधे पशु पक्षी प्रकृति को हृदय से असीम प्रेम करने वाली सेवा भावी तथा अपनी कलम से मानवीय मूल्यों को जीवंत रूप देने वाली साहित्य के क्षेत्र में एक सशक्त हस्ताक्षर श्रीमती मंजू गुप्ता मैम। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टोरी मंत्रा के शो में। मैं हूँ श्वेता स्टोरी मंत्रा से। मेरा डॉक्टर मंजू गुप्ता, वाशी नवी मुंबई से हूँ। कवित्री, लेखिका, साहित्यकार, एंकर, पर्यावरण प्रेमी, समाज सेविका इत्यादि मैं काम करती हूँ। योग प्रशिक्षिका भी हूँ और आज स्टोरी मंत्रा के मंच के संस्थापक आदरणीय सौरभ जी को के संग जो मेरा इंटरव्यू ले रही हैं, प्यारी सी युवा सखी दोस्त मेरी प्यारी सखी श्वेता जी, उनको मेरा नमन है और उनके साथ पूरे भारत और संसार के श्रोताओं को, आत्मीय जनों को मंजू गुप्ता का बम्बई से नमस्ते है, नमस्कार है। मैं सबको नमस्ते करती हूँ। जो जो लोग इस मंच से जुड़े हैं और सुन रहे हैं और बाद में भी सुनते हैं, अभी समय नहीं होता है तो वो लोग अपने हिसाब से अपने समय अनुसार सुनते हैं, उन सब साहित्य प्रेमियों को, विद्वजनों को, प्रबुद्ध वर्ग को, मुंबई महाराष्ट्र वालों को, मुंबई से महाराष्ट्र से मेरा हार्दिक नमन वंदन अभिनंदन है। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। आप एक लेखिका हैं तो मैं जानना चाहती हूँ कि पहली जो आपका लेख जब आया तो आपको कैसा एहसास हुआ जब आपका पहला लेख छपा? सबसे पहले मैं गणपति जी को नमन करते हुए उनके श्लोक से, संस्कृत के श्लोक से मैं कार्य आरम्भ करती हूँ। गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित तेजाम्बूफल चारु वक्षणम उमाशुकम शोक विनाश कारिकम नमामि विघ्नेश रूपाद पंकजम। और उसके बाद मैं अपने माता पिता का नमन करती हूँ, हृदय से वंदन करती हूँ। हमारे पिताजी स्वर्गीय प्रेमपाल वार्ष्णेय जी और माता जी श्रीमती शांति देवी वार्ष्णेय जी, ये भी हम सबको छोड़ के चले गए हैं लेकिन संस्कारों में हमारे साथ रहते हैं और जब भी मुसीबत होती है हमें आशीर्वाद देने आते हैं। और इनकी कृपा से मैंने 10 किताबें लिखी हैं जो मैं पाठ सबको, आत्मीय जनों को बताती हूँ, दिखा रही हूँ। ये प्रांत पर पयोधी अक्षर उल्टे हो जाते हैं, अगर मैं उल्टा करूँ तो दिखेगा, सीधे दिखेंगे? नहीं, आपने उल्टी पकड़ रखी पुस्तक, अक्षर उल्टे हो जाते हैं, एकदम सही है। हाँ, प्रांत पर पयोधी किताब लिखी थी जी। और पहली जब कोई चीज रचना निकलती है, काम करना पड़ता है, स्त्री के लिए पहला कदम बहुत कठिन होता है। अगर उस पहले कदम को वो संभाल लेती है और बढ़ जाती है उस कदम के आगे, तो वो अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश करती है। तो ऐसे ही मेरे साथ हुआ था। इस किताब का नाम है प्रांत पर पयोधी। ये 2002 में प्रकाशित 2000 में प्रकाशित हुई थी अलीगढ़ से। और मैं एक ड्राइंग की रुचि रखती हूँ और मेरी बेटी को, जो डॉक्टर हैं, वो तब छोटी छोटी थी
छोटी बेटी जो इस समय कनाडा में है, वो जी पूरा दोनों बेटियां जी माँ की बाई हाथ होती है, बायां हाथ होती हैं, तो उसको बहुत ड्राइंग के अंदर रुचि है। ये कवर पेज उसने ही बना के दिया था मुझे, नक्शा भी अच्छा इसने अच्छा भारत अपने हाथ से बनाया था, और इसके अंदर 29 भारत के राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश 2000 के इसके अंदर हैं, उनके बारे में लिखना, नई नई जानकारी देना इस किताब के अंदर है। और वो मैंने रचा था, वो जो जुनून होता है पहली किताब लिखने का और समाज में आने का, मन को बड़ा अच्छा लगता है। और घर वाले तो चाहे पियर हो, ससुराल हो, यार दोस्त हो, सखियां हो, तो जी कुछ तो अच्छे मिलते हैं और कुछ तो फिर मनोबल को उत्साहित कर देते हैं। तो जी बिल्कुल ऐसे ही पियर वाले बोले कि भाई क्या तुम्हारे इतनी तुम्हारी होशियार हो गई हो, जो तुम किताब निकालोगी, अच्छे अच्छे लेखकों की किताबें घर में रह जाती हैं, बिकती नहीं है। यही ससुराल वाले बोले कि भाई रद्दी है, कौन पढ़ेगा आज के जमाने में, कंप्यूटर का युग है, डिजिटल का युग है। तो सबने निराश कर दिया था, लेकिन जब मेरे आंसू घर के अंदर निकले, हस्बैंड ने देख लिया तो उन्होंने कहा नहीं कि लो ये काम कर, पैसा दिया उन्होंने और ये काम करके लेकर आओ। शादी में जाना था अलीगढ़ में, तो ये किताब निकली थी, इसकी एक रचना फटाफट मैं पढ़ देती हूँ। और इसमें राष्ट्रपति जी जी बचपन में रहा, राष्ट्रपति जी ऋषिकेश में आया करते थे। जी 1942 के अंदर हमारे माता पिता ने शैक्षिक क्रांति की थी, तो हाँ स्कूल के अंदर वहां उस जमाने में अंधविश्वास, छुआछूत जी और शिक्षा का अज्ञान, इस तरह का बहुत वातावरण था। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, गर्भवतियां, सामाजिक जो बुराइयां थी उन सबको हमारे माता पिता ने शिक्षा के माध्यम से दूर किया। और वहां की जो बेटियां थी उनको भी शिक्षित किया। तो ये काम उन्होंने वहां पर ऋषिकेश में किए, और आज वो युग पुरुष के रूप से वहां जाने जाते हैं। तो बड़ा अच्छा अरे लगता है वाह उनका पुरस्कार हमें मिले। और गंगा जैसे पावन तीर्थ स्थल, आध्यात्म की नगरी, मंदिरों की नगरी, संस्कारों की नगरी में हमारे पल्लवित पुष्पित हुए, वही हमारा जन्म स्थान है। तो हम जी अपने जन्म स्थान की उस मिट्टी को कभी नहीं भूल सकते हैं जिसने हमें, बिल्कुल और भारत भूमि को जिसने, जिसका अन्न खाकर हम पले बड़े हैं। जी और इस तरह से हमारा रचना संसार शुरू हुआ। जी तो इस तरह से आपके लेखन की शुरुआत हुई, क्योंकि आपको हाँ जी आपके परिवार में आपके माता पिता से ही एक प्रेरणा मिलती आई हाँ शिक्षा जी के प्रति। माता, तो मैम हाँ आप लेखिका तो हैं, इससे पहले आप एक शिक्षिका भी रही हैं, तो थोड़ा मैं जानना चाहती हूँ उसके बारे में कि आप किस विद्यालय में थी और किस विषय की शिक्षिका रही हैं आप। पहले जरा सी सी मैं सब किताबें एक एक बार दिखा देती हूँ। ये दीपक है, जी दीपक जी में मैंने इस ग्रुप को रखा है, बच्चे जो ये 8 8 साल के बच्चों से लेकर ये 10वीं तक के टीनेज जब तक बच्चे रहते हैं, तो उनका जी चरित्रण के हिसाब से मैंने इसमें कहानियां छोटी छोटी लिखी हैं और मॉरल्स जी हैं, जिससे कि पढ़ने से हमारा दिमाग सकारात्मक ऊर्जा से भरी हुई कहानियां हैं। दीपक जी इसका भी जी चित्र बेटी ने बनाया था। ये संसार दिखाया है गोल और काला अंधकार दिखाया है, अज्ञान का अंधकार, और माँ ये लौ जो है माँ की छवि के रूप में है, दिखाई जी दे रही होगी जी बहुत लौ के सुंदर अंदर। थी जी, बिल्कुल तो एक स्त्री, एक नारी अपने प्रयासों से अपने घर को, समाज को, अपनी शिक्षा से, ज्ञान से सुंदर बनाती है। तो ये अंधकार जो है एक मान आह्लादिनी शक्ति जिसे बोलते हैं, वो माँ है, और माँ में सारे देवी गुण होते हैं, तो वो अपने सारे संसार को सुंदर बनाती है। तो इस स्त्री की कहानी का रचना किया है। ये भारत महान, ये भी बेटी ने नक्शा बनाया और संसार में दिखाया है कि हमारा भारत सर्वश्रेष्ठ, सर्व बहुत सुंदर है, महान है। तो इसके अंदर, हाँ, अब आपका इस प्रश्न का उत्तर आ रहा है कि जब मैं स्कूल में पढ़ाती थी तो बच्चों को मैं उनके जन्मदिन पर कविताएं वगैरह सिखाया करती थी, और साथ में मेरा लेखन कार्य भी चलता रहता था।
और जब मेरी किताबें पब्लिश हुई तो ये जो किताबें थी निकलनी भी चाहिए, बिकनी भी चाहिए, तो मैं बिल्कुल स्कूल के अंदर नवी मुंबई के इंग्लिश मीडियम स्कूल के अंदर गई। मैं सबसे पहले तो जहां मैंने पढ़ाया था उस स्कूल के अंदर गई, तो फादर ने तो इतना अच्छा वेलकम किया। मैं हिंदी टीचर जी, रही हूँ अच्छा और 9th 10th क्लास की हिंदी की टीचर। सबसे पहले मेरी नौकरी स्टेट बोर्ड में थी, तो यहाँ स्टेट बोर्ड थोड़ा लेकिन थोड़ा हिंदी का कम हो जाता है। फिर इसके जी बाद मैंने CBSE में नौकरी करी, वहां पर दिल्ली बोर्ड वाला जो होता है सिलेबस NCERT वाला, और वो हम लोगों ने पढ़ा था, तो उच्च स्तर की हिंदी होती है CBSE वालों की। तो जी उस तरह से बच्चों के लिए निबंध की किताबें नहीं हुआ करती थी, तब मैंने ये निबंध की किताबें लिखी बच्चों के लिए। सार अरे महाराष्ट्र में अच्छी किताबें नहीं मिलती हैं हिंदी की, इस तरह से मैं अच्छे अच्छे निबंध लिखे अपने बच्चों के लिए लिखती थी, तो ये किताब का रूप ले लिया। फिर जब प्रिंसिपल से मैं मिली DAV डिग्री कॉलेज के, भी कुशल करके दिल्ली के थे वो, उन्होंने ही अपने यहाँ बम्बई के अंदर नवी बम्बई के अंदर DAV पनवेल में 10th तक का स्कूल खोला था, 12th हो गया है और डिग्री कॉलेज वगैरह पता नहीं क्या क्या बन गया है। तो उनसे मिली तो बोली मंजू, या हमारे लिए भानु भट्टाचार्य प्रिंसिपल थी, बोली हमारे स्कूल के लिए हिंदी के लिए आप देशभक्ति के गीत लिखो, वो मिलते नहीं है। मैंने कहा अच्छा। तो उन्होंने वो जो प्रेरणा दी थी मुझे, तो वो भारत महान करके इसके अंदर लिखी, और उनके जो डायरेक्टर थे उन्होंने बहुत सारी किताबें परचेज की, उनकी बहुत सारी ब्रांचेज हैं बम्बई के अंदर पूना के अंदर, तो वो सब उन्होंने परचेज की। इस तरह से समाज के लोगों ने हाथों हाथ मुझे उठाया और मैं मेरी कलम पे पीछे मुड़ के नहीं देखी। एक के बाद एक, एक के बाद एक किताबें पब्लिश होती चली गई। फिर ये एल्बम स्कूल की टीचरों के साथ, स्कूल की वो अपने दुख दर्द बांटती थी, तो वो सब कहानियां, अभिभावकों के दुखों की कहानियां, तो वो सब मैंने मॉरल्स के साथ लिखी है, जिससे कि सब पॉजिटिव वे में, कि जिस संघर्ष के साथ वो पढ़े और अपनी समस्याओं को सुलझाएं। तो इस तरह का काम ईश्वर ने कराता कराता रहा। और बहुत बहुत मेरे इंटरव्यूज वगैरह पहली किताब से ही शुरू हो गए थे, क्योंकि नवी जी मुंबई के अंदर मैं पहली लेखिका थी, और घर बैठे इंटरव्यू GTV के अंदर, स्टार टीवी वाले और यहाँ के लोकल चैनल तब दृष्टि आए थे। बड़ा क्रेज होता था कि हम टीवी में आएंगे, तो उनके चैनल की न्यूज आया करती थी, तो मुझे जी बड़ी खुशी होती थी कि मैं टीवी में आ रही हूँ, दुनिया मुझे देखेगी। तो बिल्कुल जी, तो इस तरह जी, से आप पहले से सिलसिला। ही एक साहित्य के क्षेत्र में आप पहले से ही एक पहचान बना चुकी हैं, एक जाना माना चेहरा है आप। तो मैं चाहती हूँ कि जी आप अपने विषय में, अपने परिवार के विषय में और कुछ बताइए हमारे पाठकों को, हमारे हाँ, लिसनर्स को, हम और जानना चाहते हैं आपके बारे ये में। परिवर्तन जी किताब है, ये भी कहानी की है। जी ताजमहल इसके अंदर बनाया है, प्यार प्यार से दुनिया जुड़ जाती है और हम सबको प्रेम करना चाहिए, नफरत नहीं। और इस बिल्कुल तरह से ये सृष्टि, बहुत जयशंकर बढ़िया प्रसाद जी ने इमोशंस पर, संवेगों पर जो कामायनी लिखी थी, उनके छंदों जी से युक्त है, मेरी बिना छंद से युक्त है। ये खंड काव्य में लिखी है कि स्त्री की जो जंजीरें हैं, पेड़ियां हैं, वो टूट गई हैं। स्त्री अब कैद में रह नहीं सकती है, वो उन चुनौतियों को स्वीकार करेगी। यहाँ एक छोटी सी चिड़िया दिखाई है, और जो चिड़िया आजादी का प्रतीक है, आकाश छूने का प्रतीक है, तो वो इस तरह का थीम लेकर इसका ड्राइंग की कल्पना की है और बेटी ने बहुत बनाया। खूबसूरत जी इस तरह से बच्चों के लिए मॉरल्स, जब मैं कभी सम्मेलनों में कार्यक्रमों में जाती थी और स्टेशनों पर कबीर के दोहे लिखे रहते थे, गुरु गोविंद दो खड़े काकू लागू जी पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। जी हाँ, जी तो उस दोहों से मैं प्रेरित होती थी कि 14वीं सदी के अंदर आज भी 21वीं सदी के जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी इन्हें पढ़ती है और उन वैल्यूज को समझती है। और कहते हैं कि कबीर तो भगवान का रूप लेकर ही धरा पर आए थे, और उन्होंने जो समाज में देखा अपने आंखों से, उन्होंने अपनी साखी में उन्होंने उतारा। कबीर तो कहते हैं पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने जी अनुभवों से जो बोला उनके शिष्यों ने लिख डाला, और आज हमारा सबका मार्गदर्शन करते हैं उनके दोहे।
और मुझे खुशी होती है कि मुंबई की आकाशवाणी ने मेरे को चिंतन के लिए सीरीज पूरी दी है बोलने के लिए, और मेरे उस पर बोलना दोहे के ऊपर चिंतन जारी है, और इस अगले महीने अप्रैल के अंदर हर मंगलवार को आएगा वो सुबह 6 बजे। तो इस तरह से ये अच्छा मॉरल वैल्यूज के अंदर मैंने प्रेम करना, दया, हिंसा का त्याग, सत्य, इस तरह से मैंने इसके अंदर लिखा है। एक बोल देती जी, हूँ, तिरंगा था लहराया, तिरंगा था लहराया, तिरंगा था फहराया, आजादी जब मिली थी, सत्यमेव जयते की, सत्यमेव जयते की आवाज सारी दुनिया ने सुनी थी, सारी दुनिया ने सुनी थी। इस तरह से एक एक लोक कथाओं की कहानियां इसके अंदर अभी के मैंने डाली है। इस तरह का जी काम ईश्वर ने कराया है। अभी जब कोरोना के अंदर सब लॉकडाउन हो रखा था, तब मनवा हुआ कबीर के एक जी हजार दोहे मैंने प्रकाश इसके अंदर प्रकाशित हुए हैं। और बड़ी खुशी मिलती है कि कोरोना काल के अंदर जब दुनिया मायूस हो गई थी, उदास हो गई थी, तो इस किताब ने लोगों में चेतना दी, तो खुशी होती है। वाह अब ये मेरी पारसमणि आई है किताब, जी जिसके अंदर मैंने अपने माता पिता ने जितना हार्डवर्क किया था, समाज को बनाया था शैक्षिक क्रांति करके, वो सब जी मैंने डाला है। सत्यम शिवम सुंदरम सी माँ, हर माँ, संसार की हर माँ सत्यम शिवम सुंदरम होती है। आप देख लीजिए, माँ कभी किसी का बुरा नहीं करती, अपनी संतान का, बच्चों का, किसी का बुरा नहीं करती है। सबको अपने ममत्व के तत्व से, ममता से वो चुंबक की तरह प्यार देकर बांधे रखती है अपने साथ। तो इस तरह से अपने माता पिता और समाज के और लोगों का इसमें चरित्र चित्रण और अपने अनुभव कोरोना के अंदर क्या क्या हुआ वो सब इसके अंदर मैंने डाले हैं। दोहे भी कुछ डाले हैं। तो ये और ये मुंबई, इस तरह से तो ये मेरी जी 10 किताबें हो गई। और हाँ ये हाँ मुंबई की सबसे पहली संस्था है आशीर्वाद करके संस्था है साहित्य की, कोई संस्था नहीं थी जब इनके फाउंडर यहाँ पर आए थे बहुत साल पहले, तो अब जी उन्होंने आशीर्वाद करके संस्था बनाई थी, साहित्यिक गतिविधियां करती है। तो 2-3 साल पहले उन्होंने मुंबई की हिंदी कवित्री लेकर ये किताब प्रकाशित की थी, जिसमें मेरे दिवाली के भी दोहे प्रकाशित हैं। और इस तरह से मेरे यहाँ जो भी निकल भी आया, मैंने तो निशान भी नहीं लगाया था, रचना है। तो एक दोहा मैं सुना देती हूँ दिवालियों का। दीपावलियां बिल्कुल बिल्कुल हैं सजी, दीपावलियां हैं सजी, घोर अमा की रात, उतरे नव से जिस तरह तारों की बारात। बहुत सारे हैं वाह ऐसी। यह अभी बम्बई की एक साहित्य प्रेमी संस्था है, कवि सम्मेलन करवाती है, तो उन्होंने निकाली थी कोरोना जी काल में। ये हरियाणा से किताब निकली है, इसमें सारे दोहे हैं मेरे, औरों के भी हैं तो इस संग्रह के अंदर। तो इस तरह से काम, कलम रुकी नहीं, काम चलता रहा। जिस तरह से दिन रात निकलते हैं उसी तरह से कमल ये कलम चलती रही। दास्तान एक किनार, इस पर एक साहित्यकार ने PhD ली थी, तो इसके अंदर मेरी किन्नरों पर, थर्ड जेंडर पर लघु कथाएं हैं। ये एकेडमी से किताबें निकलती हैं, सरकारी किताबें तो मानदेय देती हैं पत्रिकाएं, हरिगंधा में समय समय पर निकलती रहती है। हिमप्रस्थ है, ये हरियाणा की है, हिमप्रस्थ हिमाचल प्रदेश की है, इन सबसे रचनाएं प्रकाशित होती हैं। ये अभी इन्होंने लघु कथा का, ये कहाँ से निकलती है किताब, अभिराम साहित्य की किताब है ये। इन्होंने अपनी स्वर्ण जयंती बनाई थी, देखिए काम साहित्यकार कितने साल पहले से कर रहे हैं। तो इस पर जी उन्होंने पूरे विश्व के लोगों को लेकर ये किताबें निकाली हैं, पूरी 3-3 महीने के अंतराल में। तो इस तरह से मेरी कलम को भी स्थान मिला। समाज कल्याण दिल्ली से निकलती है, प्रकृतिक मंथन ये मेरठ की किताब है। तो इस तरह से बतेरी किताबें हैं, ये तो मैंने एक सैंपल दिखाया है। तो जी काम चल रहा है, हो रहा है, और लोगों का प्रोत्साहन, उनका टिप्पणियां, उनके विचार मेरे मेरे को सकारात्मक बनाते हैं, ऊर्जा भरते हैं, उनसे मुझे प्रेरणा मिलती है। जी यह है मेरा छोटा तो सा जीवन। मैं आपसे एक बात जानना चाहती हूँ कि जैसे आप उत्तराखंड ऋषिकेश से हैं, जी जो कि
प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ है, और अभी आप इस समय मुंबई जैसे शहर में जहाँ ऊंची ऊंची इमारतें हैं, तो आप क्या वो प्राकृतिक सौंदर्य कहीं आ, आ, मिस करती हैं जो आप नहीं, ऐसा बचपन नहीं में है, आप ऐसा नहीं है। वो आध्यात्मिक की नगरी है, प्रकृति सौंदर्य, पेड़ पौधे, ये तरह तरह के वृक्ष वहां पर जंगलों में। बहन छोटी थी, उसने एमएससी बॉटनी में की थी, तो उसके साथ हर्बेरियम बनाने के लिए मैं उनके जंगलों में जाया करती थी। तो जी पेड़ पौधों का तो बचपन से ही बड़ा शौक रहा है, और बिल्कुल पर्यावरण प्रेमी होने के कारण अपने जी बालकोनियों में मैंने पेड़ पौधे भी लगाए हुए हैं, छतों पर लगा रखे हैं। इस पर भी मेरे इंटरव्यूज वगैरह होते हुए हैं। तो अच्छा लगता है कि वो जो मैं आध्यात्म की नगरी गंगा जैसी पावन, सुंदर, निर्मल, बिल्कुल जो सबका पालन पोषण करती है, उस नगरी को छोड़ के उस संपूर्णता पाने के लिए गंगा की तरह मैं भी मुंबई अपने सागर के पास आ गई। मेरे पति स्वतंत्र कुमार जी से मेरा शादी हुई और जी मुझे पुण्यत्व की प्राप्ति हुई। एक स्त्री को शादी के बिल्कुल बाद पुरुष ही पूर्णता का प्रतीक होता है। जिस तरह बिल्कुल गंगा बिल्कुल सागर में मिलकर सागरमय हो जाती है, तो उसी तरह से मैं भी सागरमय हो गई। और हर शहर का अपना अलग अलग आकर्षण होता है, हर चीज हर जगह संभव नहीं है, लेकिन जी यहाँ का सौंदर्य भी कम नहीं है। सागर मैंने कभी देखा नहीं था कि सागर क्या होता है। जब मैं ट्रेन से आ रही थी शादी के बाद, तब बोरीवली में जो सागर की तांग लहरें उछाले मार रही थी, ऐसी दिल की धड़कनें देख देख कर बड़ी आकर्षित हो रही थी कि सागर ऐसा विशाल होता है, ऐसा गहराई लिए हुए, अपना व्यापकता को लिए हुए होता है, तो बड़ा सुंदर लगा था। तो यहाँ पर भी सुंदरता कम, जगह जगह पर सुंदरता है। कनेरी केव्स है, बिल्कुल, तरह तरह की ये गुफाएं बहुत हैं, अच्छी बात मंदिर। कही आपने कि हर हर जगह की अपनी अपनी सुंदरता है, ये हाँ, बहुत अच्छी बात विशेषता भी कही है। आपने। बिल्कुल, तो मैं आपसे एक बात जानना चाहती हूँ कि जैसे आप एक पारिवारिक महिला हैं, आपकी 2 बेटियां हैं, तो परिवार को संभालते हुए कितना मुश्किल रहा आपके लिए लेखन के लिए समय निकालना, क्योंकि बच्चे भी देखने हैं, पति भी देखना है, तो लेखन के लिए आपने कैसे, आपने सामंजस्य कैसे बिठाया, कैसे समय निकाला? लिखने का शौक तो बचपन से था, और जब मैं जी युवा तो एक डायरी में मैं अपने उस समय के विचार लिखती थी जो समाज में हो रहा है। फिर मेरी ये एंगेजमेंट हो गई, तो उस समय के जो विचार थे, तो वो मैंने इस सृष्टि खंड काव्य के अंदर भी मैंने डाले हैं। वो जी डायरी भी मैं निकालना भूल गई। तो मैं आज की जनरेशन को भी ये संदेश देना चाहती हूँ कि आपके मन में जो भी जैसे भी विचार आते हैं, वो डायरी में लिखें। जो कविता आपको हैप्पीनेस देती है, आपके मन के विचार जो आपने बाहर निकाल दिए, वो आपको अपने आपसे बातें करती है। जब आप खोलोगे तो आप अपने उस कविता को कि हाँ हमने लिखा था। तो ये जो तनाव है हमारा, अवसाद है, टेंशन है, ये सब दूर करता है। इसलिए हर जन को, हर बच्चे को अपने भाव, चाहे कैसे भी लिखे, चाहे डायरी में लिखे, चाहे कहीं लिखे, चाहे कविता ना लिखे, डायरी लेखन करे, कुछ भी करे, तो एक न एक उससे अपना संवाद अपने आप उसमें करे। तो आपको इस तरह से लेखन भी लिखना आएगा, रचना भी आएगा, और आप अपने को खुशी अनुभव करोगे कि हमने अपने भाव कहीं रखे हैं, कहीं लिखे हैं। और कभी मौका जब मिलता है तो आप उसे किताब का रूप दे सकते हो, अखबारों में प्रकाशित कर सकते हो, और आज तो मीडिया है, इतना जबरदस्त मिला है, आज तो मीडिया इतना जबरदस्ती जबरदस्त मिला है कि आप तो अपने मन के मनोभाव वहां जाके लिख सकते हो, डाल सकते हो, और अगर चीज अच्छी हुई तो लोग तो फिर तारीफ करेंगे, फिर जी आप जी कहीं से कहीं भी उठ सकते हो। तो इसलिए आप अपना समय नेगेटिव चीजों में ना लगा के पॉजिटिव चीजों में लगाएं, क्रिएटिव बने, और यही भारत की महानता है, विशालता है, यही चीजें हमने पूर्वजों से ली। जी तो मंजू मैम, मैं जानना चाहती हूँ कि लेखन के अलावा और किस किस क्षेत्र में आपकी रुचि रही?
रुचि थी मेरी, क्योंकि जब अगर घर में जब माँ अगर पढ़ जाती है और वो पूरा घर शिक्षित कर देती है, दो कुलों को बोलते हैं ना, अगर स्त्री पढ़ती है, लड़की पढ़ती है, तो वो दो घरों को प्रकाशित, दो कुलों को प्रकाशित करती है, तो जनरेशन की जनरेशन पढ़ जाती है। तो हमारी माँ को हर चीज का शौक था, कढ़ाई सिलाई बुनाई। ऋषिकेश में तो बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, तो स्वेटर भी खुद बुनते थे, माँ बुनती थी, तो उन्हें देख देख कर हमें आ गया क्रोशिया बुनना। और उनको लोकगीतों में नाचने में उनको बड़ा शौक था, लोकगीत गाना। और उस जमाने में लालटेन का जमाना था, मशीनें थी नहीं, चक्की में ही आटा पीसना पड़ता था। तो जी देखिए 7 बच्चे, उन सब का लालन पालन करना, और अंगीठियां जलती थी, पत्थर के कोले जलते थे और चूल्हे जलते थे उस जमाने के अंदर, गैस वगैरह की तब सुविधा आई है। तो वो सब काम बड़ी उससे करती थी, आलस नाम की चीज नहीं थी। सुबह जल्दी उठना, गंगा में नहाना, कार्तिक में भी नहाना, कुएं से पानी, गंगा नहीं गए तो कुओं से पानी निकाल के, उस जमाने में तो ये सब चलता था। तो वो परिश्रम, जी वो मेहनत उन माता पिता की हमने देखी, पिताजी प्रधानाचार्य होने के साथ साथ ट्यूशन भी पढ़ाते थे इंग्लिश के, उस जमाने के अंदर उनकी इंग्लिश हिस्ट्री के, हिस्ट्री से एमए किया था उन्होंने, इंग्लिश उनकी बहुत अच्छी थी। तो उनके ड्राफ्ट वहीं से सीखे हैं कि किस तरह से लिखना चाहिए, किस तरह से। और बहुत अच्छा वक्ता थे वो, लोग उन्हें सुनने के लिए आया करते थे। ये बड़ी बड़ी हस्तियां, राष्ट्रपति, राज्यपाल वगैरह, चंद्रभान गुप्त, मुख्यमंत्री वगैरह, अपने राजनीतिक कारणों से ऋषिकेश में आया करते थे। और ऋषिकेश पड़ा हुआ करता था, क्योंकि उन्हें ऊपर जाना, पहाड़ी ऊपर पहाड़ी इलाकों में जाना होता था, तो ऋषिकेश जी उनका होल्ट बनता था। फिर जी वहाँ समाज के लोगों की गतिविधियां, जितने भी थे, कोई ना कोई प्रोग्राम होते रहते थे, उन सब में हम सब भाई बहनों का जाना। तो वहां से हमने सब कुछ सीखा। और घर के जी अंदर जब कोई मेहमान आ जाता था, तो चलो तुम गीता के श्लोक सुनाओ, चौपाइयां सुनाओ, देशभक्ति के कविता सुनाओ, तो ये सब फिर हम करते थे। तो इस तरह से हमारा स्टेज फियर भी, हमारा व्यक्तित्व का विकास भी सब वहीं से हुआ। तो अच्छा लगता है कि आज माता पिता अपने बच्चों को खुद बनाए, दूसरे के दम पर बच्चा किसी का नहीं बनता है। आज माता पिता दोनों काम पर जा रहे हैं, बच्चा क्रेच में छोड़ रहे हैं, और जो दुर्दशा, आप सोचो कि वो लोग इतने अच्छे से रखेंगे क्या आपके बच्चे को, प्यार देंगे? जो एक माता पिता अपने बच्चे को प्यार देता है, तो मेरे ख्याल में तो जो क्रचिंग सिस्टम चला है, और कितनी तो ट्रेजेडियां दूरदर्शन के द्वारा भी दिखाई जाती हैं। तो जी ऐसा जी ना करें, माता पिता अपना बच्चा खुद पाले, उनको अपने संस्कार दें। आज हर माता पिता मोबाइल और कार दे रहा है अपने बच्चे को, लेकिन संस्कार नहीं दे रहा है। इसलिए देश के निर्माण के लिए चारित्रिक निर्माण होना बहुत जरूरी है, और हमारा भारत चरित्र निर्माण और संस्कारों के दम पर परंपराओं से, सदियों से खड़ा है। और आज सारा विश्व हमारे भारत को देख रहा है, और आज विश्व बंधुत्व के भाव आपने देखे होंगे दूरदर्शन के अंदर, कि जी भारत रूस यूक्रेन के अंदर डॉक्टर छात्र जो पढ़ने के लिए गए हैं, डॉक्टरी पढ़ने के लिए गए हैं, जी उनको, उनके साथ बांग्लादेश पाकिस्तान के बच्चों को भी लेकर आए हैं उस जहाज के अंदर। तो इस तरह की मित्रता, विश्व बंधुत्व, भाईचारे का जो पाठ हमारी मोदी सरकार ने दिया है, वो जी काबिले तारीफ है, मिसाल काबिले है पूरी। तारीफ जी है जी, बिल्कुल। भारत एक मिसाल है और देशों के लिए। तो आज आपने अपना इतना अमूल्य समय जो स्टोरी मंत्रा को दिया है, मैं उसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और आपसे चाहती हूँ कि चलते चलते आप पाठकों को अगर कोई संदेश देना चाहें या अपनी कोई कविता सुना दें तो बहुत रचना अच्छा रहेगा। तो हाँ जरूर, क्यों नहीं, रचनाएं तो बहुत हैं। सफलता पर सुनाती हूँ, आप सब सफल हो, सारी दुनिया सफल हो, अपने कामों से, अपने लक्ष्य से, अपनी सोच से। तब मैं क्या कहती हूँ, कितने कांटे बन जीवन में बरसाओ, कितने कांटे बन जीवन में बरसाओ,
चाहे तुम निष्ठर बन मौन भी हो जाओ, चाहे उपालब करके कितना तड़पाओ, रुकना झुकना नहीं सिखाया बाधाओं ने, रुकना झुकना नहीं सिखाया बाधाओं ने, चेष्टा कोशिश हमेशा है साथ निभाते, चेष्टा कोशिश हमेशा है साथ निभाते, साहस हिम्मत हमेशा पग आगे बढ़ाते, परीक्षाएं संकटों की होती पहचान, आगे बढ़ते जाना है जीवन की जान। अंतिम पद, दुख पीड़ा संकटों में जो होते कुर्बान, दुख पीड़ा संकटों में जो होते कुर्बान, तब पूरे होते हैं उनके अरमान, तब पूरे होते हैं उनके अरमान, खुशी आनंद प्रसन्नता होती साथ, मंजू सफलता से लक्ष्य गाता गौरव गान, गाता गौरव गान। और एक और फटाफट सुना देती हूँ। माँ बुढ़ापे में रोई बेटे के लिए, माँ बुढ़ापे में रोई बेटे के लिए, बेटियों ने हाथ बढ़ाया माँ के लिए, बेटियों ने हाथ बढ़ाया माँ के लिए। मैं एक नदी हूँ, मुझे अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल दूंगी अपना रास्ता बना लूंगी। एक और है, बुलंदी के लिए अपने पर हो विश्वास, लकीरें किस्मत की भी चाहे ना भी हो खास, जिंदगी के पन्नों को पलट के जब देख, परिश्रम के किरदार ने लिख दिया इतिहास, घड़ी लिख दिया इतिहास। अगला, घड़ी पहन के मैं बहुत खुश हुई, एक जमाना था घड़ी का, वक्त मेरे संग रहने लगा और मैं वक्त के संग रहने लगी। अब भारत के अंदर क्या क्या होता है सुनिए। घर में घुस के गद्दार कर रहा है ऐश, आतंकवाद दंश झेल रहा देश, गीत गजल से जगाती चेतना, बनके राम मिटाओ रावण वेश। अंतिम बेटियों के लिए, भारत की बेटियां जी बहुत मेहनती हैं, अपने दम पर चुनौतियों को स्वीकार करके धरा से लेकर गगन तक उन्होंने अपनी पहचान बनाई है, भारत का नाम किया है। तो उन बेटियों के लिए कहती हूँ, बिटिया देश का सोना, बिटिया को नहीं खोना, इनकी प्रतिभा निखारने के लिए शिक्षा का बीज बोना, बहुओं से मांगते सोना, खेल में बेटी लाए सोना, मार के कोख में गवाई है सदियों ने सिंदूसी सोना, सिंदूसी सोना, कलियां अब फूल बन रही, प्रतिभाओं से महक रही, ओलंपिक में लाके पदक, भारत का नाम कर रही, भारत का नाम कर रही। अंतिम एक आखिरी जी, हुनर की रोशनी लेकर, हुनर की रोशनी लेकर जो निकलते हैं दुनिया में, गुमनामी में, गुमनामी में शोहरत का खजाना ढूंढ लेते हैं। और अंतिम संदेश दे रही हूँ, पेड़ को लगाओ ऑक्सीजन पाओ, सिलेंडर ना लगे प्राण को बचाओ, प्राण को बचाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। और सौरभ कपिल जी को मेरी बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने मुझे इस मंच पर आमंत्रित किया, और वे एक युवा क्रिएटिव माइंड के, नए नए विचारों के, नए नए संकल्पों के व्यक्तित्व से आज मैं मिली, और उनको उनके काम को देखकर मुझे अधिक प्रसन्नता इसलिए हुई कि आज वो ना जाने कितने काम करते हैं, एक साहित्यकार हैं, एक लेखक हैं, एक कवि हैं, और एक IIT इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर के इंजीनियर हैं, और ये स्टोरी मंत्रा का इतना बड़ा काम वो कर रहे हैं कि सारे विश्व के साहित्यकारों को, कलमकारों को, जो अभी जिन्होंने कलम पकड़नी सीखी है, उन सबको वो ये अपना ये मंच दे रहे हैं, सूत्र में पिरोया है स्वप्निल जी ने, और आप भी हम सबके लिए एक प्रेरणा है। मंजू मैम, बहुत कुछ हमें आपसे सीखने को मिला है,
आपको ये अपना समय इस मंच पर आकर आपने दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करना चाहूंगी। और जल्द ही आपकी नई पुस्तक के लिए हम चाहेंगे कि वो इस समाज में एक बहुत अच्छा संदेश लेकर आए। आपकी मुस्कान मेरे दिल में जगह बनाती है और इसी तरह से ये मंच पर आप मुस्कुराते हुए आप आगे बढ़ती रहें और अपनी मुस्कान सबको देती रहें। धन्यवाद श्वेता जी, नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद मैम जी को हमारा नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद हृदय से जी।